गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में फर्स्ट चैप्टर है फाइनाइट डिफरेंस, यानी कि परिमित अंतरकलन। परिमित अंतरकलन निकालने के लिए सबसे पहले वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक हमारे पास मान लेते हैं फंक्शन है। इस फंक्शन में एक्स हमारा स्वतंत्र चल है और वाई हमारा डिपेंडेंट चल है, जिसे हम एंट्री कहते हैं। अब इसमें एक्स के हम क्रमांकक मान लें तो एक्स के क्रमांकक मान ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, आपको ए प्लस एल माइनस वन इंटू एच, ये हमने एक्स के एल मान लिए। और इसी के संगत वाई के हमारे पास मान है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ये हमारे संगत मान है। अब हम परिमित अंतरकलन कैसे निकालते हैं? फाइनाइट डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास हम इसको डेल्टा से प्लॉट करते हैं। डेल्टा ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए, ये हमारा होता है फर्स्ट पावर डिफरेंस। इसको बोलते हैं फर्स्ट पावर डिफरेंस। डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसी तरह से जब हम सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर होगा डेटा स्क्वायर एफ ए। डेटा स्क्वायर का मतलब डेटा की डबल पावर नहीं है, इसका मतलब है एक बार हमने ऑपरेट किया डेटा से, दोबारा से ऑपरेट किया डेटा से। डेटा ऑफ डेटा एफ ए इज इक्वल टू डेटा स्क्वायर एफ ए, ये हमारा सेकेंड पावर डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम क्या लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेटा एफ ए क्या है हमारे पास, डेटा ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये हमने लिया इस फर्स्ट वाले से, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर रख। इसके बाद में हमने क्या किया, डेटा को वापस से इसमें ऑपरेट किया तो ये क्या हुआ, डेटा एफ ए प्लस एच माइनस डेटा एफ ए। अब यहाँ पर फिर से डेटा की प्रॉपर्टीज हमने लगाई और डेटा की प्रॉपर्टीज हम लगा करके और हम इसको फिर से लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच है हमारे पास और डेल्टा एफ क्या होता है, ए पे हमने एच जोड़ा, फिर वापस से वही चीज माइनस करी तो इसके लिए एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, ये तो हमारा होगा डेल्टा एफ ए प्लस एच। इसी तरह से माइनस ऑफ एफ ए डेल्टा एफ ए की डेफिनेशन लिखेंगे, ये क्या आएगा एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए, यह आ गया। तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या था, सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस मतलब पावर डिफरेंस। फर्स्ट पावर डिफरेंस हमारे पास है डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसी तरह से सेकेंड पावर डिफरेंस क्या हुआ, एफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस एच प्लस एफ। इसी तरह से हम थर्ड पावर डिफरेंस निकालें तो थर्ड पावर डिफरेंस का मतलब होता है डेल्टा क्यू एफ ऑफ ए, मीन्स डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वायर एफ ए। अब यहाँ से डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। अब इस डेल्टा को इन सब में स्प्रेड कर दीजिए तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इज इक्वल टू डेल्टा एफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस डेल्टा एफ ए प्लस एच प्लस डेल्टा एफ। अब इस वाले को हम फिर से डेल्टा की डेफिनेशन लगा करके और बोलेंगे तो डेल्टा की डेफिनेशन लगा करके जब हम बोलेंगे इसको तो ये क्या आएगा, एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच
टेबल में बना करके उसे हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। थैंक यू।